हेलो बच्चों, आज हम लोग जनरल मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग के आगे के अध्यायों को देखेंगे या समझेंगे। तो चैप्टर 5.2 आज हम लोग सीखेंगे। तो इसमें है चैप्टर 5.2 में पाई चित्र या वृत्त चित्र। पाई चित्र या वृत्त चित्र का मतलब एक वृत्त बनाना होगा। तो इसमें याद रखने योग्य बात है, केंद्रीय कोण 360 डिग्री होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर 5.2 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि वह किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चित्र में दर्शाया गया। इस पाई चित्र के सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चित्र देख सकते हो दाईं ओर। तो पहला क्वेश्चन है इसका, 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने व्यक्तियों ने सर्वे में भाग लिया था। तो चित्र से देख सकते हैं हम लोग, शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले हैं 10%, 10%। इसका अर्थ क्या होता है? 10% का अर्थ होता है ये 10 पसंद करने वाले अगर 10 व्यक्ति हैं तो इस सर्वे में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं 100। तो इस प्रकार हम लोग पसंद करने वाले अगर 20 व्यक्ति होगा तो सर्वे में भाग लेने वाले का संख्या हम लोगों का हो जाएगा 100 × 20/10। तो इसमें 10 का 10 और 20 का 10 कट गया तो हम लोगों का बचा 100 × 2। गुना कर दिया तो हम लोगों का बना 200। इसी प्रकार इसका दो नंबर क्वेश्चन है, किस संगीत को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है। तो हम लोग चित्र में देख सकते हैं जी, इसमें मनोरंजक संगीत जो है उसका प्रतिशत सबसे अधिक है 40%। इसलिए हम लोग कह सकते हैं सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले संगीत हैं मनोरंजक। नेक्स्ट तीन नंबर, यदि कंपनी ने 1000 सीडी बनाया है तो प्रत्येक संगीत का कितने कितने सीडी बनाए हैं बनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा, शास्त्रीय संगीत का सीडी होगा 1000 × 10%। तो का मतलब गुना होता है तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 1000 × 10/100 का मतलब 100 में, तो 1000 × 10/100। तो ऊपर नीचे 0 सब कट जाएगा, ऊपर नीचे का 2 0, ऊपर का 2 0 कट गया तो बचा हम लोगों का 100 और 1, गुना किए तो 100। इसी प्रकार उपशास्त्री का है 20%। तो हम लोग लिख सकते हैं उपशास्त्री का सीडी बराबर 1000 × 20%। तो इससे मिलेगा 1000 × 20/100। तो 100 का 2 0 और ऊपर का 2 0 कट जाएगा तो 100 और इधर बचा 2, दोनों को गुना करेंगे तो हम लोग का आंसर होगा 200। इसी प्रकार मनोरंजक संगीत का सीडी है 1000 × 40%। तो 1000 × 40/100, तो 100 का 2 0 और ऊपर का 2 0 कट गया तो बचा 10 × 40, गुना करेंगे तो 400। इसी प्रकार लास्ट में है हम लोगों का लोक संगीत। तो लोक संगीत का सीडी होगा 1000 × 30%। तो इसे भी ऊपर की तरह समाधान करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा 300। तो तुम लोग के लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4, इसी नियम से कोशिश करना। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि 360 व्यक्तियों के एक समूह में 3 ऋतुओं वर्षा सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को दाईं ओर के चित्र में दर्शाया गया है।
तो इसका पहला क्वेश्चन है, किस ऋतु को सबसे ज़्यादा मतदान किया गया है? तो हम लोग दाईं ओर के चित्र में देखते हैं तो शीत ऋतु सबसे ज़्यादा मतदान है 150, तो इसलिए इसका उत्तर होगा शीत ऋतु। तो शीत ऋतु को मतदान किया गया है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट दो नंबर है, प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं, तो ऋतु, मतदान की संख्या और केंद्रीय कोण। तो ऋतु में पहले है हम लोगों का ग्रीष्म, इसका मतदान की संख्या है 90। तो इसका उसी प्रकार दूसरा है हम लोगों का वर्षा ऋतु, उसका मतदान की संख्या 120। अंत में है शीत ऋतु, उसका मतदान की संख्या 150। अब इस सबको जोड़ लेते हैं तो कुल बनता है 360। अब प्रत्येक का केंद्रीय कोण निकालेंगे, तो 360 में से ग्रीष्म में है 90, तो 90/360, और केंद्रीय कोण होता है 360 डिग्री, तो इसलिए 360 से गुणा कर दिए, तो 360 और 360 कट गया, तो 90 डिग्री बचा। उसी प्रकार वर्षा है 360 में से 120, तो 120/360 गुने केंद्रीय कोण का माप होता है 360 डिग्री, उससे गुना किए तो ऊपर नीचे 360 कट गया, तो बचा 120 डिग्री। इसी प्रकार शीत ऋतु के लिए हम लोग 360 में से 150 और 360 डिग्री से गुना किए, तो हम लोगों का बना 150 डिग्री। ये हुआ हम लोगों का केंद्रीय कोण निकालने का तरीका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, पाई चित्र बनाएं। तो पाई चित्र के लिए एक वृत्त बनाएंगे और दाईं ओर तीनों केंद्रीय कोण का माप दिया गया है। तो पहला है 90 डिग्री, तो आप प्रोट्रैक्टर को इस रेखा त्रिज्याखंड पर बैठाकर, त्रिज्या पर बैठाकर 90 डिग्री पर एक बिंदु देंगे। अब इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। अब ये जो रेखा प्राप्त हुआ, इस पर फिर से प्रोट्रैक्टर को बैठाएंगे और दूसरा केंद्रीय कोण 120 डिग्री को चिन्हित करेंगे और वहाँ पर बिंदु देंगे। अब इस बिंदु को वृत्त के केंद्र के साथ मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। अब जो बच गया घर, वो हम लोगों का तीसरा केंद्रीय कोण का माप हुआ। तो इस प्रकार से तुम लोग पाई चित्र और केंद्रीय कोण निकाल सकते हो। तो तुम लोगों के लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 और 5, इसे बनाओगे और होमवर्क मुझे भेजोगे। ओके, बाय।